बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम, हर कोई पकोड़े खाना तो बहुत ही पसंद करता है। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकोड़े, एकदम अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। तो ये पकोड़े एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मूंग दाल के पकौड़े को बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े को बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग दाल को 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो दाल हमारी एकदम अच्छे से भीग चुकी है और इसको 3-4 पानी मैंने धो भी लिया था। तो अब इसके पानी को हम छान लेंगे, एक छन्नी में पूरा पानी इसका निकाल देंगे। तो देखिए मैंने छन्नी में छान लिया है और जो एक्स्ट्रा पानी था उसका पूरा निकल गया है। अब मिक्सर का जार लेंगे और इसमें हम ये सारे मूंग दाल को डाल देंगे इसके अंदर, और इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है कट करके, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है उसको भी इस तरह से कट कर लिया है। तो और यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप यहाँ पे साबुत लाल मिर्च को भिगो के रखे हैं तो उसको भी डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। और अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे चम्मच से चला चला के मैंने इसको पीस लिया है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है और अब इसको हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए मीडियम साइज़ के 2 आलू को छील लिया है, तो इसको हमें ग्रेट करना है। तो मैं मोटे वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और पानी में ही रखा है ताकि ये काला नहीं पड़े। अब इसको भी हम 2-3 बार धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, और उसके बाद छन्नी में इस तरह से रख देंगे ताकि इसका पूरा पानी जो है अच्छे से निकल जाए। और फिर हम इसको निचोड़ देंगे थोड़ा, जो बचा हुआ पानी है वो भी अच्छे से निकल जाए। और अब इसमें हम ये आलू को डाल देंगे, सारे आलू को। तो इससे ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और फिर यहाँ पे 1/2 चम्मच मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच यहाँ पे मैं जीरा डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। उसके बाद 1 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है क्योंकि मिर्च हमने पहले भी डाला है। और उसके बाद अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, तो हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और बस अब ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अब ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें हमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ये ऐसे ही बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में 1 बारीक कट किया हुआ प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज जो है पानी छोड़ देता है, तो इसलिए मैंने पहले नहीं डाला, लास्ट में डाल रही हूँ। और फिर इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। और अब यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा पकोड़े का घोल जो है तैयार हो गया है, ना ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा कड़क है। और तेल मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और उसमें हम ये छोटे छोटे पकोड़े, अब छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बनाइए, तो मैं छोटे छोटे डाल रही हूँ। तो एक एक करके सारे पकौड़ों को हम तेल में डाल देंगे और बस तुरंत नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर सिकने देंगे। तो देखिए थोड़ी देर सिक गया है, और बस अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पलट देंगे और उलट पलट के इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे पकौड़ों को। तो इस तरह से मूंग दाल के पकौड़े सर्दियों में खास करके आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से उलट पलट के मैंने सेक लिया है और गोल्डन कलर आ गया है। तो अब बस पकौड़ों को निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करेंगे, इतना ही फ्राई करेंगे। तो एकदम क्रिस्पी ये पकौड़े बने हैं। अब इसको हम एक टिश्यू पेपर पे रख लेंगे।
और यहाँ पे देखिए मैंने पकोड़े को सर्व किया है चटनी के साथ, तो हरी चटनी है और सॉस है और थोड़ा सा मैंने फ्राई किया हुआ मिर्ची भी डाल दिया है। अब मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची है। तो इस तरह से मूंग दाल के पकोड़े एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ऐसे ही कुछ नए मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।